हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, पिकअप पाइल रीडिंग है या पिकअप ग्रुप रीडिंग है, और टॉपिक का नाम आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल से, बट मैं आपको समझा देती हूँ। हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 44 आवर्स, यानी कि अगले मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं 44 को, तो नेक्स्ट 44 आवर्स की फीलिंग्स, इमोशंस, और अगर कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, लिया तो वो एक्शन क्या होगा, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब कुछ देखेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर भी ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसको एज अ जनरल रीडिंग ही लीजिएगा, और टाइमलेस है। कभी भी इस वीडियो तक आप पहुँच रहे हो तो इसमें आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, वर्ड्स पे ध्यान दो, हो सकता है। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो देख सकते हो, सेम सेक्स के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, शादीशुदा हो सिंगल हो देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है उस केस में भी देख सकते हो। ओके, सो आपको पाइल सिलेक्शन करना है बेस्ड ऑन योर पार्टनर्स इनिशियल। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर किस ग्रुप में आता है, ठीक से देख लीजिए किस ग्रुप में आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आता है, और उस ग्रुप को सिलेक्ट करके आप अपने पाइल पे जंप कर सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर वन। देखते हैं पाइल नंबर वन के लिए अगले 44 आवर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, गाइस देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अब मैं पिकअप आइल रीडिंग कर रही हूँ, तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि दी आप पिकअप आइल रीडिंग मत किया करो, कन्फ्यूजन होता है, या यू नो कलेक्टिव रीडिंग ही किया करो। देखिए अभी यहाँ पे हज़ारों लोग देख रहे हैं, राइट? किसी को पिकअप आइल अच्छी लगेगी, किसी को कलेक्टिव अच्छी लगेगी, तो अपनी अपनी जो चॉइस होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो मुझे जो गाइड होता है, मैं जहाँ पे मेरा दिल जाता है, मेरा इंट्यूशन जहाँ मुझे ले जाता है ना, मैं वो करती हूँ। आप देखते होंगे कि मैं कभी कभी हमें बहुत लंबे समय तक कलेक्टिव करती हूँ, कभी कभी मैं पिकअप आइल भी करती हूँ। तो ये मेरा नहीं है डिसीजन, ये इंट्यूशन है मेरा जो मुझे गाइड करता है। तो प्लीज़ आप ऐसे कमेंट्स ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं या रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स पढ़ के फ्लक्चुएट कर जाती है, फिर उनके दिमाग में भी ये चीज़ें बस जाती है। सो या अगर आपको कलेक्टिव पसंद है तो मैं वो भी डालती हूँ, आप वो देख सकते हो जाके। मेरे सारे रीडिंग्स टाइमलेस है, तो आपको अगर ये नहीं देखनी है तो कल की वीडियो देख लो, राइट? सो या देखते हैं नेक्स्ट 44 आवर्स ग्रुप नंबर वन कलेक्टिव्स के लिए कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी फॉर द नेक्स्ट 44 आवर्स। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है प्लेफुल का। देखिए ये मैं सिर्फ नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं कर रही हूँ, या सेपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ, सबके लिए है। ओके, आपको देखना आपको कौन सा मैसेज ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। रिसेंटफुल, कनेक्टेड, पजेसिव, और आखिरी जो कार्ड है वो है परसेप्टिव, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है बिटर। ओके, ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, जो कार्ड्स निकल के आए हैं, उन्हें देखकर एक चीज़ तो क्लियर है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो आपके ऊपर सीरियस नहीं है या प्यार नहीं करते हैं, चाहे सिचुएशन जो कुछ भी हो, दे लव यू एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, लाइक डैम सीरियस अबाउट यू। ठीक है, ओके, तो
देखिए मैं फिर से बोलती हूँ, आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती है चीज़ें। मुझे नेक्स्ट 44 आवर्स में ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कोई ऐसी बात याद आएगी जो आपने शायद उनसे कही हो, जो शायद उन्हें इतनी अच्छी नहीं लगी। ओके, पास्ट की कोई बात याद आएगी, कोई कॉन्वर्जेशन, पर्टिकुलर कोई कॉन्वर्जेशन जो बहुत इम्पैक्टफुल था, जो बहुत मे बी आपने वो चीज़ आउट ऑफ गुस्सा कही होगी या पता नहीं आपका क्या उसके पीछे माइंडसेट रहा होगा उस वक्त, लेकिन आपको लेकर ना इस पर्सन के मन में डेफिनेटली प्यार तो बहुत है, बेशुमार है, लेकिन द प्रॉब्लम इज एक शिकवा भी है। ओके, बहुत से गिले शिकवे हैं इनके मन में आपको लेकर, बट दे स्टिल लव यू। ये मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपकी वो बातें इन्हें याद आती ही है जो प्यारी है, जो बहुत क्लोज है उनके दिल की, लेकिन उन्हें कड़वी बातें भी याद आती है। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप दोनों बात करते हो या मिल पाते हो, तो अगर आपकी मीटिंग होती है इस पर्सन से नेक्स्ट 44 आवर्स में, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। ओके, यस, मुझे काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हुए दिख रहे हो। बॉटम डेक में 10 ऑफ कप्स हैं, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपको, उन्हें ऐसा फील होगा कि यू आर देयर हैप्पीनेस, और वो सही मायनों में आपके साथ खुश फील करते हैं। दुनिया में कोई भी नहीं है उनका, बस आप हो, बस आपके साथ ही वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक दे आर नथिंग विदाउट यू, इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, एंड बड़ी डीपली ये चीज़, बड़ी इंटेंसली उन्हें ये चीज़ फील होने वाली है। ओके, उन्हें वो टाइम याद आएगा जब सब कुछ बहुत अच्छा था, जो मेमोरीज आप दोनों ने क्रिएट करी थी, एक बहुत ही प्यारा सा माहौल था आप दोनों के बीच में। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने किसी डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी और गलत डायरेक्शन में चले गए, गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके लाइफ में थर्ड पार्टी है, बट जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। उन्हें ऐसा लगेगा उन्होंने सही नहीं किया आपके साथ, नहीं करना चाहिए था। ओके, दे वर उन्होंने बहुत इनजस्टिस किया है आपके साथ। ओके, आपकी वैल्यू नहीं समझी उन्होंने इस आप में। देखिए मुझे लगता है कि आपको बड़ी मुश्किल से पाया है इस पर्सन ने, बट उतनी ही मुश्किल से आपको रखने की अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कोशिश नहीं करी। सो या दैट इज़ व्हाट दे विल बी थिंकिंग अबाउट। भले आप दोनों दूर हो, पास हो, डिस्टेंस है नहीं है, डजेंट मैटर, बट इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपने इनको अपने से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है, बट फिर भी उन्हें वो डिस्टेंस फील नहीं होता आपके साथ। ओके, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को भले ही वो आपसे दूर है, या आप उनसे दूर चले गए हो, या आप गुस्सा हो या वो गुस्सा है, जो भी है, अगर उन्होंने कट ऑफ किया है आपको, स्टिल मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा महसूस होने वाला है कि यू बोथ आर कनेक्टेड, यू बोथ आर स्टिल एक दूसरे के मन में हो आप दोनों। ओके, फिजिकली भले ही साथ ना हो, बट यू आर टुगेदर हियर इन हार्ट। ओके, मुझे लगता है वैसे ही ये पर्सन काफ़ी पजेसिव है। यस, काफ़ी पजेसिव है आपको लेकर, यहाँ पे एम्प्रेस की कार्ड है एंड हियर वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि आई थिंक यू आर डीलिंग विद समवन जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपको, आपके लिए फाइट नहीं करेंगे, अगर वो आपको पाने की कोशिश नहीं करते हैं, दे माइट लूज़ यू बिकॉज यू आर द एम्प्रेस। आप एक एम्प्रेस हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको आपकी ज़रूरत है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट। ओके, एंड दे नो दिस। ओके, एंड कहीं ना कहीं उनकी इच्छा होगी कि कुछ तो वो करे और आपसे कनेक्ट करे, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू।
उनका उन्हें पता है आपके अराउंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको आपकी ब्यूटी पे फिदा है, आपको पसंद करते हैं, आपके चाहने वाले बहुत है, दे नो दैट एंड दैट इज़ वाई दे विल बी फीलिंग वेरी पजेसिव. ओके, परसेप्टिव की एनर्जी क्यों है? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स. देखिए सेम एनर्जी निकल के आ रही है. आई थिंक भले ये पर्सन आपसे दूर रख रहे हैं खुद को टू हील देमसेल्व्स, ताकि वो खुद के मन को शांत करे और सही एनर्जी में आपके पास आए, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा भी इस पर्सन के अंदर सुकून नहीं है. दे आर नॉट एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी मुझे शांति इस पर्सन के मन में नहीं दिख रही है. दे आर वेरी रेस्टलेस, दे आर वेरी देखिए क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन को आप चाहिए भी हो एंड उसके लिए ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं. दैट इज़ द एनर्जी एग्जैक्टली. अगर बोलूँ मैं आपको तो उनका नज़र आप पे है, उनका दिल आपके पास है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए है, बट इट्स लाइक कि वो सिर्फ सोच रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ओके, दे आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम यू बट वो नहीं हो पा रहे हैं. उनका पैशन दिन ब दिन उनका अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ता जा रहा है. ओके, सो या दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स सी मोर, थोड़ा और देखते हैं नेक्स्ट 44 आवर्स में क्या फीलिंग, क्या एनर्जी होगी आपके पार्टनर की. वाओ, डिवाइन मैस्कुलिन हीलिंग, ओपन हार्ट, ब्रेकिंग पॉइंट एंड जो लास्ट कार्ड है वो इन्फ्लुएंसेस का है एंड बॉटम डेक में है रिलीजिंग. ओके, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे. देखिए क्या हो रहा है कि जो वो फील करते हैं एंड जो वो कर रहे हैं उनके एक्शंस और उनकी उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे. दे वॉन्ट यू, दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू. वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके बिना दे अधूरा सा महसूस करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो लेट गो कर रहे हैं, वो वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं. दे नो दे कांट डू इट बट दे आर ट्राइंग टू डू इट, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कंट्रोल में अभी चीज़ें नहीं हैं. ओके, दे विल बी फीलिंग कि उनके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, चाहकर भी वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं. थिंग्स विल हैपन, जैसे जैसा भी होना है वैसे ही होंगी एंड दे हैव नो कंट्रोल ओवर इट. लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन या एनर्जी क्यों है. ओके, यहाँ पे है जजमेंट एंड एस ऑफ कप्स. देखिए क्या हो रहा है ना कि सी दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू. उनके अंदर बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग्स है आपके लिए एंड वो धीरे धीरे उस सेंसिटिव साइड को अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं. अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रखे थे तो आई थिंक वो सेंसिटिव साइड जो है ना उनकी, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे स्टिमुलेट हो रही है. उनके अंदर की फीलिंग्स, उनके अंदर के इमोशंस, हर इंसान के अंदर ना जितना वो प्रैक्टिकल होता है उतना इमोशनल भी होता है. तो जो आपके पर्सन की प्रैक्टिकल साइड थी वो इतने टाइम तक बहुत ज़्यादा ओवरपावर कर रही थी उनके इमोशनल साइड को, लेकिन अब उल्टा हो रहा है. अब देयर इमोशनल साइड इज़ ओवरपावरिंग. ओके, जो बहुत अच्छी बात है एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा भी फील होगा कि यू आर अ गिफ्ट टू देम. आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स उनके लिए एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है. ओके, रिलीजिंग या हीलिंग की एनर्जी की हुई यहाँ पे. फोर ऑफ कप्स है विद टू ऑफ स्वॉर्ड्स. देखिए अगर इस पर्सन के लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है किसी भी तरह का, चाहे वो कोई और हो, कोई इनका थॉट प्रोसेस हो या फैमिली हो, एनीथिंग जो इनको रोक रही है रीच आउट करने से या पूरी तरह से 100% इस कनेक्शन में देने से, तो इन द नेक्स्ट 44 आवर्स मुझे लगता है कि वो कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक हट जाएगा एंड
मैं देखिए, मैं क्लियरली ये नहीं बोलूँगी आपको कि दे विल रीच आउट अगर वो बात नहीं कर रहे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी कि वो एकदम से नेक्स्ट 44 आवर्स में आएंगे और बात करेंगे. बट इट्स मोर लाइक के इनके इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हो जाएंगे. कोई भी चीज़ इन्हें अगर रोक रही है तो मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नेक्स्ट 44 आवर्स ना इनको बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि उन्हें रीच आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओके, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का भी डर है. यहाँ पे है एस ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ कप्स. देखिए, इनके ना जैसे दिल के सारे दरवाजे खुल रहे हैं, जो ब्लॉकेजेस थे. मुझे लगता है योर पर्सनस हार्ट चक्रा इज़ ऑल्सो हील्ड, क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ पा रहे हैं एंड काफ़ी वल्नरेबल बन गए हैं. ओके, दे विल फील वेरी वल्नरेबल कि वो ना फीलिंग्स के एक्सेप्टेंस के लिए काफ़ी रेडी दिख रहे हैं मुझे. ओके, कभी कभी हो जाता है ना कि इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे प्यार चाहिए ही नहीं, मुझे सामने वाले को कुछ बोलना ही नहीं है, या मुझे प्यार की ज़रूरत ही नहीं है. उस एनर्जी से बाहर निकले हैं आपके पर्सन. ओके, निकलने वाले हैं. यहाँ पे टेम्परेंस है विथ जस्टिस. देखिए, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इट्स हाई टाइम कि ये पर्सन अपने आप को अब नहीं रोक पाएंगे. इट्स लाइक उनके लिए बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा है, बहुत हो गया, यू नो, इट्स इनफ. ऐसा मुझे इमोशनली इनको ऐसा महसूस होगा कि इट्स इनफ, अब मुझसे नहीं रहा जाता. इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, उनके लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट आने वाला है. अब मुझे जस्टिस करना ही पड़ेगा इस कनेक्शन में. इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स. दोनों 7-7 की एनर्जी है. देखिए क्या हो रहा है ना कि मुझे लगता है कि जो लोग हैं ना, थर्ड पार्टी किसी भी तरह की, उन्हें ऐसा फील होगा कि इन्हीं लोगों की वजह से दे हैव फेल्ड यू. इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के वजह से, या जो लोग आपसे उनको दूर रखने की शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड दिस कि इन लोगों के वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हम दोनों में, या अभी तक मैं इस कनेक्शन में 100% नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ दीज पीपल. तो ये बहुत उस चीज़ को लेकर बहुत गहराई में सोचने वाले हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़, बहुत अच्छी बात है. चलिए यूनिवर्स एडवाइस देखते हैं आपके लिए. यूनिवर्स मैसेज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. देखिए, मैं आपको एक ही बोलूँगी, आप अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से जानते हो. अगर आपको लगता है कि मुझे ही सिचुएशन को अपने हाथ में लेके फर्स्ट इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो डू दैट. ठीक है, देखिए, पहला कदम कौन उठाता है वो ज़रूरी नहीं है. इट्स लाइक इट्स द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट किस लिए उठा रहे हो, किस माइंडसेट से उठा रहे हो, वो ज़रूरी है. लेट्स सी के क्या क्या मैसेज है इसमें आपके लिए. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सो. देखिए, अगर आपके मन में बहुत से थॉट्स आ रहे हैं, आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत, तो अगर आपको नेक्स्ट 44 आवर्स में ऐसा फील होता है कि नहीं रहा जा रहा है, या बहुत आप बहुत सैड हो रहे हो इस पर्सन के बिना, अकेलापन महसूस कर रहे हो, या आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो खटक रही है, जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, डू दैट. सोचते रह के सैड होने से बेटर है कि बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए. ठीक है, सो दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 1. कैसे लगी आपको रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपके पार्टनर का नाम इन अल्फ़ाबेट से आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है. चलो देखते हैं नेक्स्ट 44 आवर्स क्या होने वाली है आपके पार्टनर की, किस एनर्जी में रहने वाले हैं वो, या क्या एक्शन ले सकते हैं. ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है. ओके, चलिए लेट्स सी. पाइल नंबर 2 कलेक्टिव्स के लिए डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, क्लियर मैसेजेस दे. नेक्स्ट 44 आवर्स. हेल्पलेस, कैप्टिवेटेड, पिटी, अनकंफर्टेबल, और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, ग्राउंडेड. ओके, एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो स्टक का है. देखिए,
क्लियरली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर ना एक किसी क्लियर डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं या कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और वो आपसे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे. उनका दिमाग जैसे आप पे ही आके रुक गया है. ओके, इन द नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे उनके एनर्जी बहुत अटकी सी, स्टक सी, आपके विचारों में, आपके प्यार में, आपके थॉट्स में काफ़ी स्टक से नज़र आ रहे हैं मुझे ये पर्सन. ओके, अगर वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं उस मामले में भी मुझे लगता है ये पर्सन बहुत स्टक फील करेंगे. ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. मैं पहले सब कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ और फिर बात करेंगे, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है बीच बीच में कार्ड्स निकालना. हेल्पलेस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज हेल्पलेस हियर? ओके, हेल्पलेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स. कैप्टिवेटेड की एनर्जी क्यों है? कैप्टिवेटेड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे फूल. पिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पिटी की फीलिंग क्यों है यहाँ पे आपके पर्सन की नेक्स्ट 44 आवर्स में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अनकंफर्टेबल क्यों फील करेंगे? ओके, यहाँ पे है ओके, ये क्वीन ऑफ कप्स है. व्हाट मोर? नाइन ऑफ कप्स. सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे सिर्फ एरीज है. देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपके पर्सन ना कई बार ऐसा करते हैं कि उनका दिल जो कहता है आपके रिगार्डिंग वो उसे फॉलो नहीं करते, उससे उल्टा दूर भागते हैं, विच इज़ देयर रॉन्ग डिसीजन. मुझे लगता है अगर उनका दिल उन्हें कुछ किया है, कह रहा है, उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन वो टोटली अपोजिट करते हैं, वो अपनी फीलिंग से भागते हैं मैनी टाइम्स, विच प्रूव्स टू बी रॉन्ग. मुझे ऐसा भी लग रहा है नेक्स्ट 44 आवर्स में आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्हें आपसे कुछ कहना है, उन्हें कुछ कन्फेस करना है, कुछ एक्सप्रेस करना है. इवन इट कैन बी एन अपोलॉजी, मतलब सॉरी बोलना चाह रहे होंगे, बट उन्हें लगेगा कि हाउ टू डू दैट. मतलब बहुत आसान है, फ़ोन उठाना है, मैसेज करना है, फ़ोन उठाना है, कॉल करना है एंड सॉरी बोलना, अपना ईगो साइड में रख के, अपनी प्रैक्टिकल माइंडसेट को साइड में रख के. लेकिन वो उतना भी नहीं कर पाएंगे. दे विल फील वेरी रेस्टलेस. बार बार उनकी इच्छा होगी, आपको स्टॉक भी काफ़ी करेंगे अगले 44 घंटों में. वाह, 44 मुझे पता ही नहीं था. 44 आवर्स में आपको बहुत स्टॉक करेंगे एंड किसी चीज़ का बहुत गिल्टी फील करेंगे. ओके, रिग्रेट करेंगे. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप जिस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हो, आपके एनर्जी में जो शिफ्ट आया है, आप जितना ब्यूटीफुल, पहले से काफ़ी ब्यूटीफुल हो चुके हो. नॉट जस्ट बाहर की सुंदरता की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एज अ पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी, आपके डिसीजंस, आप जिस तरह से अपने को प्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को कैरी कर रहे हो, ये चीज़ आपके पर्सन को देख के बहुत आश्चर्य होगा. एंड जिस तरह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, चाहे इंटेंशनली कर रहे हो या अनइंटेंशनली कर रहे हो, आप जिस तरह से अपने आप को कैरी कर रहे हो, आपकी हर एक चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करेगी. ये अपनी आँखों को आपसे, आपको देखने से नहीं रोक पाएंगे. ओके, ये आपके बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इस पर्सन को ये फील, सोच सोच के बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होगा कि उन्होंने आपको कमिटमेंट देने में या आपको स्टेबिलिटी देने में इतना वक्त कैसे लगा दिया. अब तक क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, बल्कि उन्हें पहले ही आपको कमिटमेंट दे देनी चाहिए थी. यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो एज अ पर्सन, एज अ लवर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप इतने अच्छे हो. व्हाई डिड दे टुक सो लॉन्ग? उन्होंने जिस रिश्ते को पाने के लिए इतना कुछ किया, उसे टिकाने के लिए, उसको निभाने के लिए उन्होंने उतने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले? उन्हें खुद की शर्मिंदगी महसूस होगी और ख़ुद पर दया आएगी इस पर्सन को. ठीक है, कि वो इतने स्लो क्यों हैं, वो क्यों नहीं कमिट कर पाते. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि जिस तरह से यू नो, दे जब वो सोचते हैं ना कि आप कितने प्यारे हो, आपके आसपास के लोगों को आप कितना प्यार देते हो, उनकी कितनी केयर करते होंगे, आप खुद से कितना प्यार करते हो एंड आपने कितना प्यार दिया. एक वक्त था जहाँ पे आपने इस पर्सन के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया, सेल्फलेसली उन्हें प्यार किया, तो वो
मे बी उनका किसी से एनकाउंटर होने वाला है, अगर वो किसी के साथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो थर्ड पार्टी उनको ऐसे पोजिशन में डाल देगी जहाँ पे उनको बहुत अनकम्फर्टेबल फील होगा, एंड तब उन्हें याद आएगा कि आप उस जगह पे होते तो क्या करते, कितना प्यार से संभालते आप, कितने प्यार से हर चीज़ को मैनेज करते थे आप, कितने प्यारे थे। ओके मतलब लिटरली इस पर्सन को कि शर्मसार होने वाले ये पर्सन। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए ये इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, इतना ज़्यादा ये आपके प्यार में खो जाएंगे, डे ड्रीम करेंगे, आपके सपने देखेंगे। सॉरी गाइस मेरे नेबर्स कुछ कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा आपके सपनों में खो जाएंगे, इतना ज़्यादा आपको मिस करेंगे और इनकी फीलिंग्स ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और ये अपने आप को ग्राउंड नहीं कर पाएंगे, ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये काफ़ी कोशिशें करेंगे, अलग अलग टेक्निक्स अपनाएंगे ताकि आपके आपसे हट कर कुछ सोचे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की काफ़ी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेट्स सी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दूसरे कार्ड से भी देखते हैं। नेक्स्ट 44 आवर्स पाइल नंबर 2 कलेक्टिव्स के लिए उनके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी। एक्सटेसी, क्लैरिटी, ब्लफ, थिंकिंग, कमिटमेंट एंड बॉटम डेक में जो कार्ड है वो है पास्ट लाइफ। तो देखिए गाइज ये रिश्ता है ये नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड हो सकता है नेक्स्ट 44 आवर्स में आपके पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन हो कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कनेक्शन, कुछ तो यहाँ पे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, मे बी वो पहले भी आपसे डील कर चुके हैं, मे बी ये कोई कार्मिक लेसन्स है जो वो उन्हें सीखने हैं, जो उन्हें लर्न करने हैं, कुछ तो उन्हें ऐसा फील होगा कि ये पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा एहसास इस पर्सन को नेक्स्ट 44 आवर्स में होते हुए दिख रहा है। ओके लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। एक्सटेसी की एनर्जी क्यों है डिवाइन, आपके पार्टनर की एनर्जी क्यों है एक्सटेसी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी की एनर्जी क्यों है। ओके यहाँ पे है मजिशियन, ब्लफ की एनर्जी क्यों है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थिंकिंग की एनर्जी क्यों है। वाह सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है। ओके यहाँ पे है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन कोई नहीं है, नहीं मजिशियन है यानी जेमिनाई है मिथुन राशि। देखिए क्लियर मैं आपको बताऊँ, आपके पार्टनर के जो भी भ्रम है ना, जो एक इल्यूजन में जी रहे हैं, मे बी किसी के पीछे पड़ गए हैं जस्ट उनकी ब्यूटी के चलते, जस्ट पैसों के पीछे भाग रहे हैं, या चलो थर्ड पार्टी भी नहीं है ऐसा सोचो, एंड सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे, फेम के पीछे भाग रहे, ऐसे चीज़ों पे अपना टाइम दे रहे, अपना टेंशन दे रहे, अपनी एनर्जी डाल रहे, जो जो एक भ्रम है यू नो, जो सच है वो है प्यार, जो सच है वो है कमिटमेंट, लॉयल्टी, यही चीज़ें सच है, बाकी तो चीज़ें सारी यू नो इट्स यूजलेस। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें उन्हें एक्साइट करती है या उन्हें लग रहा था कि वो बड़े खुश है किसी और के साथ या यू नो इवन अकेले, वो उनके भ्रम दूर होने वाले हैं फाइनली। दे विल रियलाइज़ कि नहीं यार ये तो सब इल्यूजन है, भ्रम है ये मेरा, ये जो मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं बहुत खुश हूँ या मैं दुनिया की सारी खुशियाँ लूट रहा हूँ, इट्स जस्ट फॉल्स, फेक है ये। ठीक है, उनकी आँखों का पर्दा हटने वाला है एंड रियलिटी देखेंगे। रियलिटी ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, या जो भी है वाइस वर्सा। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे अगर कुछ ऐसा था जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे थे, चाहे कोई और पर्सन था, कोई रिश्ता था, कोई भी जो भी चीज़ ये छुपा रहे थे या मैनिपुलेट कर रहे थे या कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे थे ना जो शायद इन्हें सही लग रहा था, मे बी ये नो होता है कभी कभी इंसान ना इतना ज़्यादा भटक जाता है कि उसे गलत ही सही लगने लगता है, उसे लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। तो अब ना यही चेंज मुझे आपके पार्टनर के एनर्जी में दिख रहा है जहाँ पे दे विल बी लाइक नहीं यार मुझे उसे सच बता देना चाहिए, मुझे उसे पूरी क्लैरिटी देना, उसका हक बनता है रियलिटी जानना, सच जानना।
सो दे विल बी लाइक उनके, और उसके बाद ना उनके सच बोलने के बाद आप देखोगे कि उनकी एनर्जी काफ़ी बदलेगी. ओके, भले आप नाराज़ हो जाओ लेकिन एटलीस्ट उन्हें लगेगा कि मैंने तो अभी, मेरा इंटेंशन सच क्लियर है, मैं अभी तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ. तो दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट नाउ, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास वो हर एक चीज़ है जो उन्हें आपको बता देनी चाहिए और ज़रूरी भी है बताना. दे हैव ऑल द रिसोर्सेस, ठीक है, मे बी उनके पास कुछ प्रूफ्स है, कुछ तो है, दे वॉन्ट टू शो यू. ओके, तो हो सकता है नेक्स्ट 44 आवर्स में कुछ बहुत सीरियस बातें होंगी इस पर्सन के साथ आपके, और वो कुछ बहुत सीरियस बातें आपसे शेयर करेंगे जो शायद पहले बता देनी चाहिए थी. इवन ये उनकी फीलिंग्स हो सकती है आपको लेकर, जो वो काफ़ी टाइम से छुपा रहे थे. गाइज़, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि ये एक एनर्जी एक्सचेंज है. क्योंकि कभी कभी आपको लगता है ना कि ये रीडिंग्स रेजोनेट, या इस रीडिंग का कोई आउटकम क्यों नहीं आता है, तो इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप जो रीडर है उसको एक एनर्जी एक्सचेंज नहीं दे रहे हो. मैं आपसे पैसा तो नहीं मांग रही हूँ या कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं बस आपको एक लाइक करने को कह रही हूँ. वो मेरी एनर्जी जो मैं दे रही हूँ इस रीडिंग में आपको, उसका बस एक एक्सचेंज है. ओके, सो आपकी मर्ज़ी है बाकी. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई थिंक किसी का तो झूठ पकड़ेंगे ये पर्सन, ठीक है, या इनके मन में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कन्फ्यूजन जो है, अनक्लैरिटी जो है, वो मास्क जो पहन रखा है इस पर्सन ने गलत फहमियों का या गलत लोगों का, एनीथिंग जो भी ये प्रिटेंड कर रहे हैं या जानबूझ के कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दे वोंट डू दैट. मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी आते हुए दिख रही है अगले कुछ 44 आवर्स में. ओके, एंड अगर इनके लाइफ में कोई और था, थर्ड पार्टी थी जो इनके साथ झूठ बोलती थी या जो एक दिखावा कर रही थी प्यार का, नाटक कर रही थी, तो उनकी भी रियलिटी इनके सामने आएगी. अगर कोई दोस्त था इनके लाइफ में जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश में झूठ बोल रहा था इनसे, या कुछ है, कुछ और दिखाने की अगर कोशिश कर रहा था, उसकी भी रियलिटी सामने आएगी. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, दे विल बी मिसिंग यू अ लॉट, हद से बाहर, बेहद कहते हैं जिसको. दे विल नॉट स्लीप, मुझे लगता है इसके बाद, अगर ये रात को आप वीडियो देख रहे हो, दे आर नॉट स्लीपिंग वेल. और ये पर्सन बहुत मिस करेंगे, बहुत इनको क्रेविंग होगी, चाहत होगी आपकी, आपसे मिलने की, आपको देखने की, आपसे बात करने की. इस ये वीडियो के बाद का जो रात है, इट विल बी हेल फॉर दिस पर्सन. ये सो नहीं पाएंगे, सो रहे हो तो आप, जाग रहे हो तो आप, ठीक है, कंटिन्यूसली इनको वो चीज़ें, हर चीज़ याद आएगी अबाउट दिस कनेक्शन. वेरी वेरी मतलब एकदम रियलिस्टिक, जैसे मूवी चल रही है. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आप इस पर्सन से मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे, या कुछ प्रोमिसेस कर रखे थे इस पर्सन ने जो पूरे नहीं किए, और अगर ये का मैरिज को या शादी को तोड़ के चले गए थे किसी भी तरह से, आई सी देम कमिंग बैक, रिटर्निंग टू यू. ओके, तो आपकी जीत होने वाली है, आपके प्यार की जीत होने वाली है. ओके, जितना पेशेंस आपने रखा, जितना माफ़ आपने किया, जितना कुछ सैक्रिफाइस किया, सहन किया है आपने इस रिश्ते में, उसके रिवॉर्ड का वक्त आ चुका है. यू विल बी रिवॉर्डेड नाउ. अब आप, वो बोलते हैं ना कि अपना टाइम कब आएगा, आपका टाइम आ चुका है. नेक्स्ट 44 आवर्स आर गोइंग टू बी ब्यूटिफुल आपके लिए, ठीक है. सो या, बी रेडी फॉर दैट. चलिए, आपके लिए एडवाइस क्या है, मैसेज क्या है यूनिवर्स का. पाइल नंबर 2 के लिए, कलेक्टिव्स के लिए एक मैसेज दीजिए यूनिवर्स, क्लियर मैसेजेस प्लीज़. ओके, 5, मैंने बोला आपको, अ फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस. जिस, वो बोलते हैं ना कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो हो रहा है फाइनली. ओके, एंड बॉटम डेक में है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड. देखिए, रिश्ता बिना एडजस्टमेंट के नहीं चलता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना ही पड़ता है. अगर आप बहुत तन के बैठे हो कि मैं तो नहीं एडजस्ट करने वाली, वाह, मैंने जैसे ही डेक उठाया, देखो कौन सा कार्ड है, 2 ऑफ कप्स. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, आई विल नॉट एडजस्ट, बहुत हो गया, मैंने बहुत एडजस्ट किया, तो बेटा आपको प्यार के बारे में सीखना होगा. प्यार को पहले सीख लो, फिर प्यार करो, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स एंड चैरियट. आई सी समवन कमिंग बैक, आई सी समवन अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू. ओके, बहुत ही फियर्सली, बहुत ही इमोशंस के साथ कुछ आपको प्यार भरा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है. ओके, आप चाहो ना चाहो, ये पर्सन आ रहा है आपके पास.
विद अ लॉट ऑफ लव, दिस माइट बी योर सोलमेट. ओके, बहुत प्यार के साथ, बहुत सोच समझ के इस पर्सन का मूवमेंट आपकी तरफ हो रहा है और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे. क्यों, क्या, कैसे, कब, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. दैट वॉज इट फॉर पाइल नंबर टू. सॉरी जो नॉइज़ हो रहा था, मेरे नेबर कुछ तो ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसका आवाज़ था. सो दैट वॉज इट, एनर्जी एक्सचेंज आई होप आपने लाइक के ज़रिए दे दिया होगा. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, ख्याल रखना अपना. हेलो गाइज, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए. आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज. तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है. आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट. ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट. और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली आपके रिश्तों के लिए. आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर, या जैसे कहते हैं ना, हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. ठीक है, तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा धीरे धीरे. मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा. ठीक है, तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो, उनके मन से आप, उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा. ठीक है, एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो किसी वजह से, आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी. सो आप रोज़ क्वार्ट्ज़ पहन सकते हो. आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो. एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी, यू नो, आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो. एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी. ठीक है, ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे. आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे. ये आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं. आप काफ़ी हज़ारों, मैंने फीडबैक शेयर किए हैं इंस्टाग्राम पे, जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज, फिर सबसे इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं, वो है सिट्रीन. सिट्रीन ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी. एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है. ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है. ठीक है, सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है, कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर. एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फेल हुए हैं किसी
काम में तो हम डर जाते कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है। ओके, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है। आगे जाके फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में, गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में, हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है, या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से, तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है आपको। आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह ही डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है, कुछ है आसपास, है कुछ डार्क एविल एनर्जीज, तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है, एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, ओके। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है, फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज़, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट,
सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचराइन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉरमेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो। ठीक है, अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये दो पहनो, या सिंगल भी ये पहनो कि तो भी अच्छा है। ओके, एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज़, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो। ठीक है, चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्डस्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो ये दो भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे एलेक्सर भी ले सकते हो, इसको मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, तो आपको हर दो चार दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है। ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इन इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहने, लेफ्ट में। ठीक है, और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको। ठीक है, ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी, अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। And yeah, see you in next video.